नमस्ते मैडम पिंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो नारी बैक टू नेचर में। एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं नारी से जुड़ी सभी समस्याओं की और पाते हैं नेचुरोपैथी में इसके समाधान। समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद रहती हैं डॉक्टर देवयानी जोगी जी। दोस्तों, आज हम जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं वह समस्या हम लोगों के घरों में काफ़ी आम तौर पर देखी जा सकती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऑटोइम्यून डिसीजेस के बारे में। क्या है ये बीमारी, इसके क्या लक्षण हैं, क्या नेचुरोपैथी में इसके समाधान संभव हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारी डॉक्टर देवयानी जोगी मैम जी से। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपके सभी सवालों के जवाब देवयानी जोगी मैम जी से जानेंगे प्रगति के समाधान में, और अंत में हम जानेंगे हमारे किचन में मौजूद सरसों के दानों के आखिर क्या है फायदे और इससे जुड़े क्या है मिथक। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर डॉक्टर देवयानी जोगी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। तो मैम, हम इस बातचीत को शुरू करें, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऑटोइम्यून डिजीजेस है क्या? ये देखिए, हम हर वक्त नारी बैक टू नेचर सीरीज हमने जो शुरू की है उसमें हम हमेशा ऐसे डिजीज के बारे में हम बात करते हैं जो आम तौर पे घर घर में होने वाला है या घर घर में बस गया है, एज अ फैमिली मेंबर की तरह भी आप बोल सकते हो। तो आज का जो हमारा है ऑटो इम्यून डिजीज, अभी पहले तो हमें वो समझना है कि हमेशा हमारा एक स्लोगन है, अन्न ही परब्रह्म। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा शरीर पे इफेक्ट आएगी। अगर आप सत्व रज तमो कौन सा अन्न ग्रहण करते हो वैसा आपको डिजीजेस होंगे, वैसी आपको बीमारियां दिखाई देगी। तो आज के टॉपिक में खास हम कवर करने वाले हैं कि आप लोगों को हमेशा नेचर क्योर के द्वारा आप अपने हर एक बीमारी को रिलीज अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिर्फ खान पीन चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करो, जो आप पूरे दिन से जो रूटीन लाइफ है उसको चेंज करोगे तो आपको ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आज हम आगे बात करेंगे एंटी इंफ्लामेटरी डाइट कैसा और क्या आपको ये डाइट लेने से काफी सारी बीमारियों को भी आप कैसे निकाल सकते हैं बहुत इजी तरह से, और एवरीथिंग इन योर किचन, बिकॉज किचन इज योर फार्मेसी, राइट। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि इन्होंने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा कि है क्या ऑटो इम्यून। अब देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज एक बीमारी का समूह है। ऐसे देखा जाए तो दो शब्द, दो वर्ड देखिए, ऑटो और इम्यून, तो आप खुद समझ सकते हो ऑटो का मीनिंग है अपने आप और इम्यून का मतलब है कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति। जब ये दोनों हमें समझ में आ जाता है कि हम ही है जो बिगाड़ने वाले, हम ही है जो हमारी प्रतिकारक शक्ति जो वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा सब कुछ अंदर डालते हैं जिस वजह से हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट में आपको बीमारी आती है थ्रू द बैक्टीरिया, थ्रू द वायरस, थ्रू द इंफेक्शन, थ्रू द इंफ्लामेशन। इस तरह से जब बीमारी आती है तो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो हमारी क्या हो जाती है, बहुत ही कम होती है। तो उस वजह से ये सारी बीमारियां आपको घर कर लेती है और एक दिन एक बीमारी आई तो उससे कनेक्ट में दूसरी बीमारी आ जाती है। बहुत से बार मैं बोलती हूँ आप लोगों को स्लोगन्स मिलते हैं, थॉट्स अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी ये थॉट्स या स्लोगन्स को आपने ग्रहण करने की कोशिश की तो वो करने की जरूरत है। एक थॉट लिखा हुआ था कि योर बॉडी इज अ वन फैमिली, वन ऑर्गन वन पार्ट इज डैमेज इमीजिएटली दे कनेक्ट टू अदर्स, राइट। यानी कि हम अपने फिजिकल में इतना रिलेशनशिप नहीं रखते हैं कि एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए, लेकिन शरीर के भीतर में
ऐसे लोग बसते हैं कि एक जरा सा बिगड़ जाता है तो वो फटाक से दूसरे को बोलता है अब तुम्हारी बारी है। तो बस समझ जाना है कि आपके भीतर में कभी भी कफ एंड कोल्ड आता है, आपके भीतर में कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपके भीतर में अगर आपको लग रहा है मुझे फीवर बहुत हो रहा है, बार बार मुझे सिर दुख रहा है, या हड्डियों में कहीं परेशानी स्टार्टिंग में हो रही है, तो वो एक ग्रुप धीरे धीरे बनता जाता है। और वो फाइनली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, नेचर क्योर के नहीं लेकिन सामान्य डॉक्टर के पास, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो, तब वो बोलते हैं डिजीज हो गया है, लेकिन कौन सा? ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। तो ये है सिंपल एंड सोबर। तो ध्यान रखना है लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स एंड एक्सरसाइज इज अ मेन रोल हमारे ये डिजीज को निकालने के लिए है। बिल्कुल सही बात मैम, कोई हमें बताता नहीं है कि एक्चुअल में डिसीजेस हुआ क्या है और उसके लिए हमें दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। पर मैम, क्योंकि हम लोग नेचुरोपैथी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आप हमें इतने अच्छे से समझा रहे हैं, तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि आखिर इस डिसीजेस के क्या सिम्टम्स होते हैं, एक आम नारी कैसे जान पाएगी कि वो इस डिसीजेस से ग्रसित है? यस, अब पहले ही मैंने बोला कि इसका सिम्टम्स, इसके लक्षण या इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको सिम्टम्स देखना है कि किस तरह से हमें पता चलेगा, तो देखिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो शरीर में से बाहर जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करता है, लेकिन जब हमारे शरीर में स्वस्थ टिश्यूज एंड द प्रॉब्लम कहाँ है, भीतर से, तब हमें हम लड़ नहीं सकते हैं। तो यूजुअली क्या हो जाता है, एक तो है लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है या फिर फूड हैबिट खराब है तो वो मोटापे का शिकार होगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे डायबिटीज है, हार्ट का पेशेंट बन जाएगा, हाई शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स आपको बारी बारी दिखाई दे रहे हैं तो वो सडनली नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। उसमें आप हाई प्रोसेस वाला अगर आप फूड खाते हो, दूसरा आपको पर्यावरण यानी कि पॉल्यूशन से भी आप देख सकते हो कि ये रोग आपके आते हैं। तो उसके लिए ध्यान एक ही रखना है कि ये सारे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये सारे कारण है इसके, कि अगर आप फूड में इंटेक क्या कर रहे हो, लाइफस्टाइल अगर आपकी सेडिटरी है, फैट जमा हो गया है, या आपको मोटापा सता रहा है, डायबिटीज का पार्ट वन पार्ट टू यानी कि लेवल वन लेवल टू के टाइप टू के हो गए हो वो, दूसरा रूमोअर्थराइटिस के आप पेशेंट हो गए हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे भीतर में लंग्स में यानी कि एस्मा का, माइग्रेन का मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा लेडीज में दिखता है कि अगर फाइब्रॉइड हो गया है, या ऐसे ऐसे बीमारी रिप्रोडक्ट में हो जाती है, यूट्रस के रिलेटेड में हो जाती है, तो उसको ध्यान रखना है, बिकॉज ये जाला है, ये बीमारियों का एक क्लस्टर में होता है, यानी कि ग्रुप में ये बीमारी आ जाती है। अब एक को नहीं निकालते हो तो ये ग्रुप को निकालने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपको भी शक्ति लगानी पड़ेगी। तो ये सारा आपको दिखाई देता है, तब समझ जाना है कि ओके अब मेरे भीतर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है। दूसरा, आप लोगों को जान के परेशानी होगी कि एक रिसर्च में आया था कि ऑटोइम्यून्स का डिजीज पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखने को मिला हुआ है, 78% महिलाओं को ये डिजीज है। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अब देखिए, तनाव, भागदौड़, थकान, स्ट्रेस, राइट, रात को नींद ना आना, पूरे समय सोच विचार में, पूरे समय हम लोग कुछ न कुछ फैमिली के पीछे भागते रहते हैं, डाइजेशन वीक हो जाना, थोड़ा सा काम करते ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स हो जाना, या फिर आपको थकान महसूस होती है, आप पूरे दिन थक जाते हो काम करने से लेकिन रात को नींद नहीं आती है आपको, तो ये सब कुछ क्यों होता है? तो वो सारा महिला एंड स्पेशल इमोशंस इज अ मेन क्राइटेरिया ये है क्यों महिलाओं को 78% होता है। और इसे एटलीस्ट देखा जाए तो हर एक घर में ये एक नारी है जो इमोशन से ग्रस्त है। तो बस वही हमें देखना है कि ऐसा सारा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा सारा तो आपके साथ नहीं जा रहा है। दूसरा, सेडिटरी लाइफस्टाइल बहुत होने लगी है, हम खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसे लोग भी है, हम तो कमा किस ले रहे हैं, हम कमा रहे हैं
कि हम फूड खा सके, तो बस आपको वो ही ध्यान रखना है कि फूड इज योर एनर्जी, फूड इज, खास एम्फेसाइज में हमेशा फूड पे करती हूँ। जैसा अन्न आप खाओगे वैसा आपको रिजल्ट में दिखने को मिलेगा, आपको खुद को देखने को मिलेगा, अब थकान नहीं हो रही है, अब मेरे में एक एक्स्ट्रा लेवल का आ गया है, मैं हर एक तरह की एक्सरसाइज योग आसन में कर सकती हूँ, मैं स्ट्रेस रिलीज रहती हूँ क्योंकि मैं ध्यान करती हूँ। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जब मन विचलित हो जाता है या जब आपके मांसपेशियां स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आपको हर एक पल लगता है थोड़ा सा करते, अगर आप ध्यान करते हो आप थक जाते हो, अगर आप एक्सरसाइज योग करते हो आप थक जाते हो, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो बैठे रहते हो फिर भी थक जाते हो, राइट? तो क्या करना है वो हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे शरीर में धीरे धीरे कुछ बदलाव आ रहे हैं। अगर इन बदलावों को सही समय पर नहीं देखा जाता तो ये बदलाव धीरे धीरे समस्याओं को बढ़ा देते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेज के बारे में मैम हम जब बात करते हैं तो क्या इस बीमारी के अलग अलग टाइप्स भी हैं, क्या अलग अलग तरीके की बीमारियाँ इसमें शामिल हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए लोगों को अब पता तो चल गया है कि मेरे भीतर में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन कौन से टाइप की, कैसी कैसी बीमारी आपकी होती है, तो आपको सजग हो जाना है कि अब संभल जाओ। ये आपको एक मास्टर इंट्यूशन देता है, जस्ट समझ जाइए और अपने भीतर को ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। तो क्या है ऑटोइम्यून डिजीज के सामने कौन से प्रकार हो सकते हैं, तो उसमें आप देखोगे तो आपको ब्लड जो है वो कैसे होता है, जो ब्लड वेन्स होते हैं उसमें इंफ्लामेशन हो जाती है, ल्यूपस एक बीमारी है वो अगर आपको दिखाई देती है, टाइप 1 डायबिटीज घर घर में अब हो गया है, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको खुश नहीं होना है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं 25 ईयर्स से मुझे बीमारी है, 25 ईयर्स से, 15 ईयर्स से मुझे हार्ट की बीमारी है और मैं टेबलेट लेता हूँ, हाइपरटेंशन की लेता हूँ, थायराइड की लेता हूँ, तो ये सारा इसी में आ जाता है। फिर आता है रूमोआर्थराइटिस, राइट? जब टिस वाले जो भी आते हैं तो संभल जाना है कि आप ये सकंजे में फंस रहे हो। फिर आता है कि आपके मल्टीपर्पस मल्टीपल सोरासिस आपको हो जाता है, या फिर आपको रूमेटिक के अंदर भी एक आता है पॉलीमाइजिक आता है, वो भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई देता है तो समझ जाना है। या कभी कभी आपने देखा होगा हेयर फॉल, हर एक वक्त लोगों की कंप्लेंट्स होती है, मैम हेयर फॉल हो रहा है, विंटर होता है तो बहुत हो जाता है, मॉनसून होता है बहुत हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि विंटर में ही हेयर फॉल होता है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो गलत है, वो कम है, इसीलिए हेयर फॉल होता है। और जैसे जैसे और कम हो जाती है यू कैन फाइंड स्पॉट में बॉल्डनेस दिखना लगता है, स्पॉट से आपको लगने लगा है पैची थिंग्स होने लगी है, तो स्किन में ड्राइनेस टू मच दिखने लगती है, माउथ में ड्राइनेस दिखती है कि आपको बार बार लिप्स को घुमाना पड़ेगा, या आपको बार बार अगर कुछ अन्न भी खाते हो तो उसके साथ पानी कंटेक्ट तभी आपका अन्न नीचे उतरेगा, तो माउथ के रिलेटेड है। वजेनिया में आपको ड्राइनेस लगेगा, अंडरआर्म में, हाथों पैरों में टू मच खुजली आएगी, ड्राइनेस लगेगा आपको। तो ये जो सारे है ये सारे कनेक्शन में है कि हमें ये टाइप सारे आपको दिखाता है। वेट द मेजर, राइट? Arthritis is a major है आप लोगों का, तो ये सब कुछ समझ जाना है। दूसरा मेनोपॉज में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ये सारा जो हम देखते हैं लगता छोटा सा है, राइट? बहुत बार आपका ब्लीडिंग बहुत जाता है, लगता छोटा है कोई बात नहीं, 15 दिन ही गया हुआ है, दवा ले लो खत्म हो जाएगी, नहीं, इसके पीछे आपको ध्यान लगाना है कि कहीं ये खतरा आगे तो नहीं बढ़ रहा है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल, ध्यान लगा लेंगे और हमें सही समय पर इन बीमारियों का पता चल जाएगा तो इससे बचने के जो भी और तरीके हैं हम शायद उसको जल्दी अपना लेंगे। बचने के तरीकों के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि खान पान की, जैसे आपने बात की कि हम लोग खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या खाएं, किन सब्जियों को, किन फलों को हम अपने आहार में शामिल करें जिससे इन तरीके की बीमारियों से हम थोड़ा तो बच सकें, आप हमें इस थोड़े से, आप इस पर हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए।
अब देखिए, थोड़ा नहीं, मैं तो बोलूंगी यू कैन रिवर्स एवरीथिंग 100%। पहले तो है बिलीव कीजिए, मैं एक शरीर नहीं हूं, ये सब कुछ हो रहा है वो शरीर पे हो रहा है, मैं एक हैप्पी सोल हूं और मेरे भीतर में जो भगवान बसा हुआ है ना, मुझे उसको शुद्ध करना है। बस ये दिमाग में लगा दो तो वो शुद्ध करने के लिए आप उसके पीछे जान लगा दोगे। तो वो जान लगानी है आपको कि मैं फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहता हूँ, फ्री फ्रॉम मेडिसिन हो जाना चाहता हूँ और फ्री फ्रॉम स्टेरॉइड होना चाहता हूँ, राइट। कोई भी आपको डिजीज होता है, इमीजिएटली इंजेक्शन दिया जाता है, दवा दी जाती है, या फिर एंटीबायोटिक या फिर स्टेरॉइड या बहुत सारा देने को मिलता है। लेकिन जब हम मन में विश्वास करें, फूड में इतना पावर है कि आई कैन रिवर्स ऑल माई डिजीजेस, लाइफस्टाइल में इतना पावर है आई कैन रिमूव ऑल माई प्रॉब्लम्स थ्रू माई अंदर से मैं निकाल सकता हूँ। तो पहले वो समझना है कि अन्न ही परब्रह्म है, तो ब्रह्मा ने जो हमें प्रसाद दिया हुआ है, वैसे अगर आप अन्न खाते हो, प्रसाद हमेशा कितना होता है, पंच महाभूत जितना होता है। आपने सत्यनारायण का प्रसाद खाया होगा, आपने माता चौकी के यहाँ से प्रसाद खाया होगा, कहीं पे भी जब जाते हो प्रसाद बोला जाता है, ऐसा नहीं भोजन नहीं बोलते। तो प्रसाद कितना होता है, इतना होता है। तो बस इतना प्रसाद समझ के जब आप अन्न को शरीर के भीतर में डालोगे, कोई डिजीज कोई बीमारी आपके घर नहीं कर सकती है, ये मेरा दावा है। तो बस उतना ही करना है, लेकिन सबसे पहले कौन सा अन्न नहीं खाना है वो देखना बहुत जरूरी है। अन्न तो आप सब खा सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है ना, ये अन्न हमें नहीं खाना है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमें पता चल जाए। तो सबसे पहले है ग्लूटेन। सभी लोगों को पता है ग्लूटेन, ग्लूटेन बोलते हैं हर एक भोजन में, ज्यादातर स्टार्च ये ग्लूटेन है। हर एक के घर पे रोटी बनती है, राइट, हर एक के घर पे चावल बनता है, व्हाट इज दैट, इट्स अ स्टार्च, इट्स अ ग्लूटेन है, राइट। और वो ग्लूटेन सबसे ज्यादा घेव में बनता है, घेव में प्राप्त तो होता है ये स्टार्च, ग्लूटेन प्राप्त तो होता है। दूसरा अगर थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो बाजरे में और जौ में भी दिखता है, लेकिन मैक्सिमम घेव है। तो हमारा पहला ही रहेगा कि ग्लूटेन क्या करता है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं मेरे सारे व्यूअर्स को बता दूंगी कि ग्लूटेन जो है वो एक डिजीज को बढ़ाने में हेल्प करता है वो, राइट। इसीलिए वो ऑटो इम्यून डिजीज वाले को हम ग्लूटेन फ्री बोलते हैं, घेव को बंद पहले करना है, राइट। एक रिसर्च में आया था कि जितना आप ज्यादा मात्रा में ग्लूटेन वाला खुराक लेते हो तो आपको अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, रूमो अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और है स्लेरिक्स एक करके एक आता है उसका भी चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको पता चल गया ये क्राइटेरिया मेरे है, तो पहले तो ग्लूटेन बंद कर दीजिए, यानी कि गेहूं को बंद कर लीजिए। फिर आता है नॉनवेज, लेकिन हम लोग नॉनवेज की हमारे शो में कभी, हम बोलते हैं ध्यान जगत करना है, शाकाहार जगत करना है, राइट। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जो लोग, ध्यान रखिए, जो लोग अभी भी समझते हैं अंडा है मछली है दैट इज अ वेरी गुड, या कोई भी नॉनवेज जब लेते हैं, तो एक अगेन मैंने देखा हुआ है कि अमेरिकन रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, ये मैं बात गलत नहीं बोल रही हूँ, आप लोग सर्च भी कर सकते हो, कि एक अमेरिकन डाइटिंग एसोसिएशन जो रिसर्च किया उसमें पता चला है कि वीगन डाइट में ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने का पावर बहुत है। उसमें जो आपको पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है जब आप नॉनवेज लेते हो और साथ में आपको ऑटो इम्यून है, तो ध्यान रखिए आपके दर्द को, पेन को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में वेगन डाइट बहुत काम होता है। और आपकी जो धमनियां, ध्यान रखनी है, मैं खास बोलती हूँ, जब आप ज्यादा नॉनवेज खाते हो तो क्या हो जाता है, एनिमल फैट्स जो शरीर में एंटर करता है, आपकी धमनियां पैरालिसिस होने लगती है, राइट।
राइट। और फिर ब्लड जो है वो बहुत ही क्या होने लगता है, कम मात्रा में निकलने लगता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि हमें अगर अन्न में, जरूरी नहीं है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा नॉनवेज में ही मिलता है, हमारे पल्सेस एंड जो हमारे दालें हैं उसमें है, हमारे ग्रीन सब्जियों है उसमें है, और मिलेट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत है, तो आप ये ले सकते हो, मांसाहारी को छोड़ना है। फिर आता है शुगर। अब देखिए मुंह पे हमारा जो बोलने का तरीका है वैसा बना दीजिए शुगर कि आपको आर्टिफिशियल शुगर अपने भीतर में डालने की जरूरत ना पड़े। तो शुगर जब आप खाते हो तो शुगर में सभी को पता है कि उसके अंदर बहुत से ऐसे शुगर जब आए तो डायबिटीज का खतरा तो बढ़ता ही है, राइट। और जब डायबिटीज का खतरा पड़ता है और उसके साथ ध्यान रखिए कि शुगर जब आप कंटेंट ज्यादा करते हो तो उसके अंदर तीन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड आपको सुक्रोज मिलता है, राइट। तो ये सब कुछ क्या करता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज को यानी अपने सिस्टम को खराब करने में बहुत काम करता है। हाँ, जो आपको फल से शुगर मिलता है वो नेचुरल है, जो आपको वेजिटेबल से मिलता है वो नेचुरल है, जो आपको ड्राई फ्रूट से मिलता है वो नेचुरल है, लेकिन जो ह्यूमन बनाता है, ह्यूमन मेड ने जो बनाया वो नेचुरल नहीं है, तो वो आपको जो बीमारी है उसको और करता है और वो एसिड का काम करता है, राइट। तो आपके भीतर में जो ब्लड है उसमें एसिड का काम करता है और जहां जहां ये ब्लड जाएगा वो आपकी बीमारी, स्किन में जाएगा तो वो स्किन के रिलेटेड बीमारी होगी, पेट में जाएगा तो पेट में लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी हो जाएगी, लंग्स में जाएगा तो आपको हार्ट है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस, ऐसी बीमारी हो जाएगी। अगर आपका रिप्रोडक्ट में चला गया या एक्सक्रीशन में चला गया तो वो सारी बीमारी आपको कर सकती है। तो शुगर में भी व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे, ध्यान रखिए क्यों ना बोलते हैं, बिकॉज जिसमें व्हाइट ब्लड सेल को जो फाइट करने के लिए हम हमेशा हमारा इम्यून बढ़ाते हैं तो वो व्हाइट ब्लड सेल आपका कम होने लगता है, राइट। तो इसीलिए हमें शुगर कम करना चाहिए। तो ये है दूसरा कि आप जो प्रोसेस फूड खाते हो, तला भुना, स्पाइसी, जो हमेशा जो मार्केट में है, जो आप तेल यूज करते हो, राइट। तेल घर पे अगर आप पकोड़े बनाते हो तो इट्स ओके, लेकिन जो बाहर होता है वो एक बार तेल गर्म होता है, दूसरी बार तेल गर्म होता है, तीसरी बार तेल, जैसे जैसे तेल गर्म 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 उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन शरीर के लिए वो बहुत ही खराब है। वो फैट आपके भीतर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है, आपके भीतर में रोगों को जन्म देने का काम करता है, राइट। और अब हम बात करेंगे क्या खाना चाहिए। अब तो अब जो मैंने आपको बोल दिया मैदा, ये मैदा है, घेहू है, ये सब कुछ बंद करना है, शुगर बंद करना है, सॉल्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जितना अगर भीतर में जाता है सब्जी उतना ही होना चाहिए। क्या खा सकते हैं, तो देखिए हरी पत्ती, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आपको मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी डाइट जो बोला जाए वो है ग्रीन वेजिटेबल्स है आपके पास। पालक इज अ सुपर डूपर, ये सारी जो सब्जियां है हरी पत्ती वाली उसमें सबसे ज्यादा, ध्यान रखिए अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, आपको प्रेडिक्ट हो गया है, स्टार्ट द हरी पत्ती वाला जूस पीना स्टार्ट कर दे, हरी पत्ती की सब्जियों साग खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि सरसों का साग। देखिए ईश्वर प्रकृति मान ने हमें, वेदर चेंज होता है हमें वैसे ही हरी पत्ती देने की शुरुआत कर दी। अभी इस मौसम में सरसों का साग बोला जाता है लेकिन कितने लोग खाते होंगे, टेस्ट अच्छा नहीं लगता मैडम, नहीं, बिल्ड करो, भीतर में डालने की कोशिश करो। तो एक तो है सरसों का साग है, सरसों बहुत ही बढ़िया काम करता है, ब्रोकली इज अ सुपर जो सब्जी है वो काम करता है, सूप पी सकते हो, सैलेड्स में ले सकते हो, इन लोगों को पत्ता गोभी को आप ले सकते हो। फिर आप लोग जैसे जैसे इसको आप डालोगे, आइदर आप डालोगे सूप में, गाजर है जो जिसके अंदर रूट्स है, शकरकंद है, सलगम है, गाजर है, राइट, एक आता है सूरन आता है, तो ऐसे जब आप रूट्स वाला भी लोगे तो आपको क्या होगा, वो आपको कैसे लेना है, इधर आपको मैंने बोला जूस के हिसाब से ले लो, सूप में डाल दो या फिर सलाड्स के रूप में ले लो, तो वो आपको फायदा सबसे ज्यादा करेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रूट, मैक्सिमम से ग्रीन लीव्स को डालने की कोशिश है। दूसरा आप लोगों को मिलता है एप्पल्स है, नाशपाती है, अमरूद है, पपैया है, अनार है,
ये सारे केले हैं। इन शॉर्ट में प्रकृति माँ आपको जैसे जैसे वेदर ये हो जाता है वो आपको देता है। अब ऑयल में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं तिल का तेल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल करते हैं, लेकिन अगर आपको पता चला एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट में ऑलिव जैतून का तेल वो देने में आता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो हम लेते हैं तो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का ध्यान रखना। क्यों ऐसा आजकल लोगों के घर घर में ब्रेस्ट कैंसर का होने लगा है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, राइट? तो एक है ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या माइग्रेन आजकल घर घर में होने लगा है। तो ये सबको अगर आपको निकालना है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो बढ़ते रहे उन सबसे अगर आपको बाहर निकलना है तो ऑलिव ऑयल। अब देखो हम लोग कुकिंग करते समय तो ऑलिव ऑयल, क्योंकि उसको गर्म नहीं करना होता है, वो ध्यान रखना है। लेकिन जब आप सलाड्स खाते हो, प्लीज ऑल व्यूअर को मैं बताऊंगी, जब हम आपको डाइट देते हैं या फिर हम बोलते हैं ईट सलाड, अपनी जितनी उम्र है उससे 1/4 जितना आपको सलाड खाना है। सलाड को हम क्यों रेकमेंड करते हैं, क्योंकि सलाड आपका फ्लशिंग का काम करता है, उसके अंदर मल्टी विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है, और दूसरा हम ये फाइबर, हमें प्रोटीन, ये सबकी मात्रा भी चाहिए। तो एक सलाड ही है जिसमें बोलते हैं सर्वगुण संपन्न, सब कुछ मिल जाता है, और उसमें भी टॉप ऑफ दैट हम ड्रेसिंग खुद बनाए, राइट? जब आप ड्रेसिंग बनाते हो तो ड्रेसिंग कैसे बनता है, ऑलिव ऑयल को डालिए, कच्चा ऑलिव ऑयल आपको स्प्रेड करना है, उसके अंदर इमली, हम डरते रहते हैं हमेशा, मैम इमली से मेरे घुटने दुखते, इमली से मेरा ऐसा ऐसा हो जाए, इमली से मेरा मुंह से, नहीं, अगर आप गलत तरीके से रहोगे तो सब कुछ होने वाला है। एक पॉजिटिविटी डालिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो इमली में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इमली में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। तो आप प्रॉपर तरीके से, या नहीं हो सकता है, वी अरेंज द वर्कशॉप ऑल्सो, वी अरेंज द क्लासेस ऑल्सो, ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये किस तरह से फायदा करता है। देन द अगेन एवोकाडो ध्यान रखिए, ब्रोकली है, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी है, आवाकाडो का आप स्मूदी में डाल दीजिए, आवाकाडो को सलाड में डाल दीजिए, आवाकाडो की चटनी भी बना सकते हो, जो डिपिंग्स जो आप बाहर जाके डिपिंग्स लेते हो, मैं वही आप लोगों को बोलती हूँ, चिकपीस का आता है, राइट, डिपिंग्स आता है, आवाकाडो का आता है, ताहिनी आप बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे है कि आप जैसे चिप्स खाने की इच्छा हो रही है आपको, तो आप क्रैकर्स ले रहे हो, या आप सेलरी है या कैरोट है, उसके साथ आवाकाडो का डिपिंग बनाइए, बहुत बढ़िया लगता है। तो आवाकाडो ऑल्सो वंडरफुल, ये जो है जो आर्थराइटिस के जो पेशेंट हो चुके उसके लिए तो आवाकाडो वरदान के रूप में है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते होते हो कि आप सिर्फ अन्न को चेंज तो करके देखिए, सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऑयल, सब लोग डरते हैं, मैम ऑयल हम नहीं खा सकते, मैम घी नहीं खा सकते, एवरीथिंग यू कैन ईट इट, बट सब प्रमाण में, और विजडम ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, हमें भीतर में क्या डालना है, कौन सा तेल डालना है, कौन सा पोषक तत्व डालना है। ऐसा ही नहीं कि मैम ने तेल हाँ बोल दी, अब चलो बाहर चल के मस्त पे की दाबेली वड़ा पाव खाते हैं, मस्त पे की पेटीज खाते हैं, बाहर क्यों खाना, घर पे बनाइए ना, सब कुछ घर पे अवेलेबल है, और माँ प्रकृति आपको दे रही है ना, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट, अभी आप जाओगे पालक में 10 रुपए की जूड़ी आ जाती, क्या 10 रुपए का आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी मेथी सरसों की भाजी बनाइए, केवल 10 रुपए में 2 जूड़ी आती है, या 20 रुपए की जूड़ी आती है, तो क्या हो गया, राइट? तो उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके बनाइए और खाइए, राइट? तो आप बीमारी से बाहर निकल सकते। बिल्कुल, मेरी नानी कहा करती थी कि जीभ के स्वाद पर नहीं जाओगे तो ज़्यादातर समय स्वस्थ रहोगे, और आज आपको सुन के भी मुझे यही लग रहा है कि अगर हम स्वाद पर ना जाकर अपने स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, ये खाएं तो शायद समस्याएं उत्पन्न ही नहीं हो, और अगर हो भी रही है तो हम आसानी से उसको समाधान में, उसका समाधान मिल सकता है हमको। प्रकृति के समाधान में अब हम आपके सवालों को देवयानी मैम के सामने रखेंगे। तो देवयानी मैम, हमारे पास पहला प्रश्न आया है पंजाब से आशा जी का, जिनकी उम्र 22 साल है। इनका सवाल है कि जिन्हें ऑटोइम्यून बीमारियां हैं उन्हें अपना डाइट प्लान कैसे रखना चाहिए। जैसे हमने बताया कि ग्लूटेन
उसको आपको बाद कर लेना है, लेकिन आप लोग चावल जो भी खा रहे हो वो पॉलिश वाले नहीं होने चाहिए, पुराने और जो देसी है वो ही लेना है। जितना पॉलिश किया होगा, जितना शाइन करेगा, वो आपको निकाल देना है। तो आपको बस ध्यान रखना है, चावल लो लेकिन विदाउट पॉलिश, जौ लो, मक्का लो, रागी लो आप, तो आपको क्या ये फायदा करेगा। बाजरा भी आप ले सकते हो जो अभी आपको मिल रहा है, मिक्स एंड मैच करके भी आप ले सकते हो। ओट्स को अंदर मिक्स कर लीजिए, जो मिलेट्स आपको दिए हुए वो सब मिलेट्स को आप मिक्स कर सकते हो। थोड़े समय के लिए मिक्स कीजिए, फिर 15 दिन के बाद डिस्कार्ड कर लीजिए, फिर दूसरे इसको मिक्स कीजिए, फिर या वन बाय वन भी आप लोग ले सकते हो। दूसरा है कि आप दालों में मूंग ले सकते हो, मसूर ले सकते हो, मूंगफली ले सकते हो, मटर भी ले सकते हो, तो सोयाबीन भी। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर आपको अगर एलर्जीज या वो है तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज सोयाबीन ऑल्सो परफेक्ट फॉर द ऑटोइम्यून्स के लिए है। तो इस तरह से जब आप लेते हो, और ऑब्वियस है फ्रूट, और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि फ्रूट तो हमेशा बहुत अच्छे होते, फ्रूट इज योर मेडिसिन है, राइट। तो फ्रूट में भी आप एप्पल ले सकते हो, अंगूर ले सकते हो। देखिए ब्लैक रेजन्स, इट्स वेरी नाइस। लोगों को डर रहता है कि ब्लैक रेजन से कफ हो जाएगा, ब्लैक ये सारे मिथ है, राइट। कुछ नहीं, उल्टा ब्लैक रेजन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदा करता है। और व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज जो हमने अभी बात की, वही है ना, खुद ही मारते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको भी हम मारते हैं, जो अच्छा थिंग्स उसको भी मारते हैं थ्रू द फूड, राइट। तो अंगूर आप ले सकते हो। फिर आपको ध्यान रखना है, पपैया है, अनार है, अनानस है, गुड सोर्स है, एंटी इंफ्लामेटरी का सोर्सेस है ये सारे, राइट। तो एप्रिकॉट भी जो ड्राई आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, अगर जब मिल रहा है तो खाइए, आंवला खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए, फिर मशरू सॉरी अमरूद आ रहे हैं वो भी आप खाइए। तो जो आपको सब्जियां दिख रही है अभी, जो सिट्रस वाली है, जो जूसी है, जिसके अंदर फाइबर का कंटेंट है, वो बेझिझक के खाइए। फिर पत्तेदार सब्जियां जो आपको मिल रही है, पालक है, सरसों है, मेथी है, राइट। तो ये सारी आपकी जो सब्जियां जो आपको मिल रही है, परवर है, फिर लौकी है, टिंडा है, तो ये सारी भी सब्जियां जब आप खाते हो, इन शॉर्ट में ध्यान रखना है कि हमारा शरीर जो है ना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे निर्भर करता है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपका ब्रेन, आपका लंग्स, आपका आचन पचन जो आप करते हो वो, और आपका एक्सक्रीशन, सब कुछ प्रॉपर होता है व्हेन योर गट इज प्रॉपर, बिकॉज गट इज अ सेकेंड ब्रेन बोला गया है, राइट। तो अगर ये कनेक्शन यहाँ पे है तो फिर यहाँ से ही चैनल आती है। तो बस जो आप खा रहे हो उसकी तरफ आपको ध्यान लगाना है कि मैं क्या खा रही हूँ, राइट। तो खान पीन में मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बहुत से व्यूअर्स का लगता है कि ये मैम का शो आता है वो बोलते हैं ये मत खाओ ये मत खाओ। आप सब कुछ खा सकते हो, अगर आपको इच्छा हो गई पकौड़े खाने की, मेथी के गोटे खाने की, खा सकते, लेकिन अगेन एंड अगेन ध्यान रखना है, ये पकोड़ा या मेथी का गोटा आपने एक ही बार तेल रखा और उसके बाद वो रीफिल नहीं करोगे, रीयूज नहीं करोगे, ध्यान बस वो रखना है। और ऐसा नहीं कि यस बोला है तो वीक में चलो 2-3 बार खा लेते, ऐसा नहीं करना है। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, ये मुझे नहीं खाना है। आशा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने देवयानी मैम की सारी बातों को ध्यान से सुना होगा। हमारे पास दूसरा सवाल है हरियाणा से पायल का। इनकी उम्र 24 साल है और इनका सवाल है कि ऑटोइम्यून बीमारियों को ठीक करने में योगा हमारी कैसे मदद कर सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब है वो योग से बहुत कनेक्ट में है। और डेफिनेटली ऑटोइम्यून डिजीज में दो ही एक ध्यान रखना पिलर को, आप ऐसे तो 4 पिलर है हमारे, लेकिन 4 पिलर आ जाएंगे ये 2 पिलर के अंदर। एक है खान पीन और दूसरा है हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसको अगर आप चेंज कर देते हो तो आपका कोई भी बीमारी आती है वो यूं निकल जाती है। तो व्हाट इज अ लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल का मतलब है कब आप उठते हो, कब आप सोते हो, आपकी निंद्रा कितनी है, और आप एक्सरसाइज करते हो, आप वॉकिंग करते हो, आप कोई गेम्स खेलते हो, या फिर आप योग प्राणायाम करते हो कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप योग करते हो कोई भी बीमारी हो, राइट, ऑटोइम्यून डिजीज में योग का बहुत बड़ा एक दर्जा दिया गया है। क्यों?
कि आपके मसल्स होते हैं ना वो बहुत वीक हो गए होते हैं, आपका जो पावर होता है वो स्ट्रेंथनिंग जो होता है वो नहीं रहता है, और ऊपर से आप दवाइयां लेते हो तो भीतर को स्ट्रांग बनाइए। तो जब आप लथार्जिक आपको फील होता है, आपको कुछ न करने की इच्छा होती है, आपको फैट बढ़ जाता है क्योंकि कुछ नहीं करते हो तो कैलोरी बढ़ जाती है, तो फैट, तो एक फैट कटर का काम करता है योग, एक बैलेंस करने का काम करता है योग। तो ये सब कुछ क्या करता है, मन वाणी शुद्धि कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र सबको बैलेंस करने का काम योग करता है। तो इसके अंदर सेतु बंध आसन है वो बहुत अच्छा है, दूसरा है पश्चिमोत्तानासन वो भी बहुत अच्छा है, वॉकिंग करते हो वो भी बहुत अच्छा है, स्क्वाट्स जो आप ऊपर नीचे बैठते हो कुर्सी में ले लीजिए, प्रॉप लीजिए बेल्ट, आयंगर योग आप ध्यान रखिए, थेरापेटिक योग कीजिए। और पहले तो स्टेप बाय स्टेप चाहिए, दूसरों का देख के योग मत कीजिए, अरे वाह ये 108 सूर्य नमस्कार कर सकते मैं भी करूं, अरे वाह ये जुम्बा कर सके मैं भी करूं, अरे वाह ये तो पावर योग करे मैं भी करूं, नहीं, भीतर को देखो और स्टेप बाय स्टेप योग का मूवमेंट्स करो धीरे धीरे, नेक की मूवमेंट करो धीरे धीरे, हाँ अब होने लगा है देन तो स्टेबिलिटी लाइए, उसको रेस्टिंग टाइम दीजिए और फिर करिए। जी बिल्कुल, रेस्टिंग टाइम दीजिए और फिर करिए योगा, और योगा से ज़रूर फ़ायदा होगा। मध्य प्रदेश से माया है जिनकी 22 साल की उम्र है और वो जानना चाहते हैं कि हमारे घर में काली चाय पीने का चलन है, तो क्या काली चाय से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है? अब देखिए काली चाय तो बहुत बढ़िया है, एक आती है व्हाइट चाय, एक आती है ग्रीन चाय और एक आती है काली चाय। अब काली चाय होती है वो इस तरह से होती है, काली चाय होती है राइट, तो ये जब आप काली चाय लेते हो ना उसका फायदा बहुत है, इसे हम हर्बल काली चाय जो आती है ना हर्बल टी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ध्यान रखिए, तो फ्री रेडिकल्स कैंसर के रिलेटेड है या एनी स्किन हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम वो तो चले जाएंगे आपके। फिर आता है ब्रेन में जो हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं सब कुछ हो जाता है वो निकल जाएगा आपका। इम्यूनिटी राइट बूस्टिंग का काम करती है काली चाय आपकी देती है, और बॉडी को हमेशा प्रॉपर में मेंटेन करने का काम करती काली चाय। तो आप दिन में 2 बार या 3 बार पी सकते हो, लेकिन हाँ अगर कोई भी चीज अंत तक लेके जाओगे तो प्रॉब्लम करेगी। तो इसमें डूज एंड डोंट्स भी होते हैं कि लिमिट में अगर आप पीते हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन हाँ आपको आदत लत लग जाती है एक घंटा तो वो अति हो जाती है तो वो नहीं ले। बाकी काली चाय तो पीना ही चाहिए अगर आप वेट को रिड्यूस करना चाहते हो, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको अर्थराइटिस है, अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज है राइट, ये सब कुछ अगर आपके स्किन हेयर एवरीथिंग टोटल बॉडी के लिए ब्लैक टी इज अ सुपर डुपर टी है। तो माया जी अगर आप ध्यान से और एक लिमिट में उस काली चाय को पियेंगे तो मुझे नहीं लगता, जैसा मैम ने बताया है, कि आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो पाएगा। मैम आखिरी सवाल हमारा है मनीषा जी का, जो कि आसाम से हैं और इनकी उम्र 18 साल है। इनका सवाल है कि मेरे चेहरे पर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पिंपल आने लगे हैं, क्या मुझे इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या इनके ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए? देखिए पहले तो रूट को पकड़िए, हर एक को मैं बोलती हूँ रूट कौन सा है, स्पिरिचुअल हेल्थ इज योर रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज योर फ्रूट। तो हमें चेहरे में दिख रहा है, बॉडी पे एक्ने दिख रहे हैं, पिंपल दिख रहे हैं, तो ये बाहर आया ना तो दैट इज अ फ्रूट हुआ। तो ये भीतर को चेक कीजिए, ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है, मेरे हार्मोन में गड़बड़ी हो रही है, मेरी सोच में हो रही है, मैं शांत नहीं रह, मैं ज्यादा स्ट्रेस में रह रही हूँ, मैं खान पीन पे, तो आपको पहला है बाहर का खान पीन बंद कर लीजिए, तला भुना है, स्पाइसी है, जंक है, उसको बंद कर लीजिए। देखिए पहले अपने आप को ठीक कीजिए, पहले रूट को पकड़िए फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर को इमीडिएटली पकड़ने की जरूरत नहीं, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, राई के दाने से होती है, उसके बाद वो फ्लेयर होती जाती है। तो सबसे पहले रूट को पकड़ लिया, गो साइलेंट मेडिटेशन में चले जाइए, इमोशंस को निकाल दीजिए, स्ट्रेस को निकाल दीजिए, पहला ये करना है। देन फूड पे ध्यान दीजिए, आप घर का ही अन्न शुरू कर दीजिए। नाउ एप्लीकेशन क्या करोगे, तो आपके घर पे बेकिंग सोडा होगा राइट, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आपको लगता है नींबू भी आपके घर पे होगा, हनी भी आपके होगा,
तो नींबू एंड हनी को मिक्स कर लीजिए, एक मास्क के एक ऑइंटमेंट की तरह बना लीजिए और वो जहां पे भी आपको है वो लगा दीजिए। आप वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास हल्दी भी होगा तो आप क्या कीजिए, हल्दी है, बेकिंग सोडा है एंड नींबू है, इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए तो वो भी फायदा करेगा। एंड एसीवी टोनर बना दीजिए, विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, वो बहुत आपको हेल्पफुल रहता है। आप ड्रिंक भी कर सकते हो फ्लश आउट के लिए। तो रोज सुबह जब आप उठते हो एक टीस्पून पहले स्टार्ट कीजिए, 1 टीस्पून से विद पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, पीने की शुरुआत कीजिए। दूसरा एप्पल साइडर विनेगर का एक प्रपोर्शन और दूसरा प्रपोर्शन डिस्टिल वाटर का लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, मेक टोनर एंड जस्ट स्प्रे कर लीजिए। मिंट वाटर इज द परफेक्ट, राइट, तो वो ले लीजिए। लेवेंडर हर्बल टी इज अ परफेक्ट है आपके लिए, सेज है, रोजमेरी है, राइट, रोज है, हिबाकिस है, वो सारे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जस्ट डू दिस वन, ट्राई फर्स्ट, 1 मंथ ट्राई कीजिए और फिर देखिए। तो मनीषा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवाल का पूरा जवाब मिल गया होगा।